गाइस व्हाट्सएप गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में कुछ खास चीज़ें। व्हाट्सएप बिजनेस नॉर्मल व्हाट्सएप से कैसे अलग है और कैसे वर्क करता है और उसके कुछ फीचर्स के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं व्हाट्सएप। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, व्हाट्सएप का जो आइकन है वो एक्चुअली ये व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप की ही एक ब्रांच मतलब व्हाट्सएप की ही कंपनी का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है, बस उसमें बी का साइन है और बिल्कुल मतलब आपको सिमिलर दिखेगा। आप गूगल प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड करेंगे तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। फर्स्ट आपको करना कुछ नहीं है, सर्च पे जाना है, व्हाट्सएप बिजनेस डालना है। आई थिंक सबसे ऊपर नीचे दो तीन ऑप्शंस में ही आपको दिख जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल करा हुआ है और इसे मैं ओपन करता हूँ। जिसे मैंने इसे ओपन किया, ये देख सकते हैं आप इसका इंटरफेरेंस, इसकी एवरीथिंग, चैट, स्टेटस, कॉल्स, मतलब एवरीथिंग इज़ वैसा ही है जैसा व्हाट्सएप नॉर्मल रहता है। इसमें जो खास जो अलग चीज़ें हैं वो आपको सेटिंग्स में देखने को मिलेंगी। चलिए हम लोग सेटिंग्स में चलते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, ये सेटिंग्स में आ गए। बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं व्हाट्सएप जैसे नॉर्मल, जैसे आप मैसेज जाते हैं, वो स्टेटस अपडेट, जैसे आप कॉल लगाते हैं, जैसे आप वीडियो कॉल लगाते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप नॉर्मल में यूज़ करते हैं वो सब इसमें प्रेजेंट है। बस इसमें डिफरेंस ये कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ में ऐड कर दी गई हैं। जैसे वही स्टेटस आप देखिए, बिजनेस सेटिंग्स जो आप देख सकते अपनी नॉर्मल सेटिंग्स, आप व्हाट्सएप में जाएंगे तो आपको ये बिजनेस सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एडेड है, जो यही एक्स्ट्रा इसकी चीज़ है, यही इस एप्लीकेशन की हाईलाइट है। चलिए को हम लोग इसे ओपन करते हैं। बिजनेस सेटिंग को जैसे ओपन करेंगे, ये आपके पास जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये एक्स्ट्रा हैं। जैसे प्रोफाइल, मैं प्रोफाइल क्लिक करता हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल को, जैसे मेरा फोटो डाला हुआ है प्रोफाइल फ़ोटो, तो आप कैसे भी चेंज कर सकते हैं। अपनी बिजनेस सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, बिजनेस अकाउंट है, टाइमिंग है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये तो मेरा ऑलरेडी है। अब इसे ऊपर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है एडिट का, जो टूल दिख रहा है, उसको हम प्रेस करेंगे। जिस इसको प्रेस करते से हमारे पास ऑप्शन आएगा अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करने का। प्रोफाइल फ़ोटो तो हम नॉर्मल व्हाट्सएप में भी चेंज कर सकते हैं, वैसे सिमिलर इसमें भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपने बिजनेस का एड्रेस डाल सकते हैं। दुनिया में आप कहीं भी हैं, अपने व्हाट्सएप से यूज़र को अपना एड्रेस बताने के लिए आप यहाँ पे एड्रेस बता सकते हैं। इस एड्रेस को आप कहीं अपनी सोशल साइट्स में, मतलब अपनी व्हाट्सएप को आप जब शेयर करेंगे तो उसके साथ एड्रेस भी चल जाएगा। इससे आपके बहुत कस्टमर्स आपको बढ़ सकते हैं, आपका एड्रेस जान के आ सकते हैं, मतलब उसके नीरब है, उसको सूटेबल करेगा। इस एप्लीकेशन का नाम व्हाट्सएप बिजनेस इसलिए कि बिजनेस के लिए ही बेसिकली बनाया है, बिजनेस के लिए बनाया है, या फिर कुछ जो बल्क में मैसेजेस यूज़ करते हैं उनके लिए बनाया है। अब इसके नीचे देखिए रेस्टोरेंट डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद टाइमिंग आप डाल सकते हैं, जिसे टाइमिंग एडिट कर सकते हैं। ये देखिए टाइमिंग आप कैसे, हर दिन की आप अलग टाइमिंग सेट कर सकते हैं, शेड्यूल टाइमिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं, अनदर वेबसाइट, दो तीन वेबसाइट आप डाल सकते हैं। उसके बाद ऊपर सेव का बटन है, आपको सेव दबा सकते हैं। डिस्कार्ड चेंजेस अगर आपको ये नहीं चाहिए तो, मगर ये बहुत अच्छी चीज़ है अपनी प्रोफाइल सेट करने से। इससे क्या होगा कि आप किसी को भी मैसेज कर दें, उसको आपसे फ़ोन लगा के पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप क्या करते हैं और क्या टाइमिंग है आपके बिज़नेस की या कुछ भी, वो सब चीज़ यहाँ पे देख सकता है। तो इससे काफ़ी टाइम सेविंग है आपके लिए, बहुत टाइम बचा लेता है ये एप्लीकेशन। चलिए बैक चलते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। उसके बाद जो नीचे हम थोड़ा सा बैक और चलेंगे एक बार बैक, ये स्टैटिस्टिक्स, मतलब इसमें आप कितने मैसेज आपने भेजे, कितने डिलीवर्ड हुए, कितने आपको मैसेजेस आपने रीड किए, कितने रिसीव हुए। देखिए मैसेज सेंड मैंने काफ़ी किए थे, कुछ मैसेज पहुंच नहीं पाए, आप थोड़ा नंबर का डिफरेंस देख सकते हैं। ये मतलब ये सब चीज़ आपको आपके स्टैटिस्टिक्स पे रहता है। शॉर्ट लिंक, ये इसकी मैं बात कर रहा था, इससे आप अपने इसका शॉर्ट लिंक आप अपनी वेबसाइट या कहीं भी सोशल नेटवर्क या कहीं भी आप शेयर करेंगे तो डायरेक्टली वो आपको यहीं पे थ्रो करेगा। उसमें आप अपने डिफ़ॉल्ट मैसेज भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद अवे मैसेज, अवे मैसेजेस क्या है, ऑटोमेटिकली रिप्लाई विन द मैसेज यू आर अवे, मतलब आप कोई भी आपको मैसेज करेगा और आप रिप्लाई करने के लिए वहाँ अवेलेबल नहीं है तो ये एप्लीकेशन आप कुछ भी मैसेज एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने एडिट किया हुआ है, ये मैसेज अपने आप उस सेंडर को चले जाएगा जिसने भी आपको भेजा है। आप इसमें सेट कर सकते हैं, आप इसको एडिट दबा के एडिट कर सकते हैं, फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं, अपना नाम या कुछ भी आप चाहें आप इसे लिख सकते हैं। अपनी कोई लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं कि डायरेक्टली वो आपकी वेबसाइट विजिट करें। उसके बाद शेड्यूल टाइम कि आप हमेशा इसको हम दबाते हैं, ऑलवेज सेंड, हमेशा सेंड करो, मैंने इसे सेट किया हुआ कस्टम शेड्यूल की कुछ बिजनेस टाइम में या आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर्स, मतलब जब बिजनेस आप नहीं कर रहे हैं तब तो आप बिजनेस जब करते हैं तो फ़ोन यूज़ करते ही होंगे, तो जब आप नहीं कर रहे हैं तब चाहिए, मतलब अपने हिसाब से आप शेड्यूल कर सकते हैं। सेंड टू एवरी रिसिपिएंट्स पे भी आप सेंड कर सकते हैं कि सबके पास चले जाए या
जो उनके पास जाए, जो आपके एड्रेस बुक मतलब फ़ोन बुक में जिनका नंबर सेव नहीं है उनके पास, जो नए हैं उनके पास आ सकता है। एवरीवन एक्सेप्ट, मतलब आप ये भी सेट कर सकते हैं कि किसी को नहीं जाए तो भी आप सेट कर सकते हैं। ओनली सेंड टू मतलब उन्हीं पर्सन को भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए आप देख सकते हैं इनको ही सेंड करना, बाकी को नहीं सेंड करना, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम पीछे चलते हैं, ग्रीटिंग मैसेज, मतलब किसी बंदे ने आपको बहुत टाइम बाद या फर्स्ट टाइम बाद या बहुत टाइम बाद मैसेज किया तो वो ग्रीटिंग मैसेज, इसको ग्रीट करना। ग्रीट कस्टमर्स व्हेन दे आर दे मैसेज यू फॉर द फर्स्ट टाइम और आफ्टर 14 डेज ऑफ नो एक्टिविटी। तो आप इसको ये भी सेट कर सकते हैं, सेम इसमें भी वैसे ही है सिस्टम है, आप इसको एडिट कर सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं, उसके बाद उसको सेव कर सकते हैं। चलिए बैक चलते हैं। फिर क्विक रिप्लाइज, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि बार बार आप रिप्लाई करके आप थक जाते हैं कि यार पूरा पूरा मैसेज लिखना पड़ता है। जैसे इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप स्लैश करके थैंक्स लिखेंगे तो पूरा मैसेज टाइप हो जाएगा। अब इसको हम प्लस कर सकते हैं, अपने कुछ भी रिप्लाई कर सकते हैं। ये मैसेज जैसे मैंने आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ, ये मैंने मैसेज टाइप कर दिया। अब इसका शॉर्टकट आप बना सकते हैं, ये जो इसका जो साइन है उसको आपको नोटिस करना पड़ेगा, जो हैश हैशटैग नहीं, इस तरह का साइन आपको नोटिस करना है, इसी को प्रेस करना है तो वो शॉर्टकट बन जाएगा। तो आप शॉर्टकट, आप जैसे मैं कुछ भी लिखा देता हूँ कि मैं डी डालूँ तो शायद ये आ जाए, राइट। तो कीवर्ड आप उसका कीवर्ड भी कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें कुछ भी डाल दूँ, मतलब इस तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं। उसको सेव कर लीजिए। क्विक रिप्लाइज, आपको पूरा मैसेज बड़ा सा लंबा सा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटा सा कुछ भी डालेंगे तो वो आ जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है, इसको डिस्कार्ड करते हैं। ये सेटिंग तो हो गई। इसके अलावा एक और सेटिंग जो आपको पता होनी चाहिए इस बिजनेस के बारे में, लेबल्स, जो इसमें आप हैं लेबल्स लगा सकते हैं। ये आपने लेबल्स बताया, न्यू कस्टमर, न्यू ऑर्डर, पेंडिंग पेमेंट, पेड, ऑर्डर कंप्लीट, और प्लस का साइन भी नीचे है, जो आप अपने तरफ से लेबल्स का कलर सेट कर सकते हैं। अब ये कैसे यूज़फुल है, ये ऐसे यूज़फुल है कि आप अपने अपने इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं बिज़नेस में कि आपको ढूंढते रहो और कैसे क्या करें, कस्टमर नया कौन सा था, या फिर कस्टमर भी नहीं तो जिस भी हिसाब से बिज़नेस है, आप छोटे छोटे ग्रुप्स में अपने कॉन्टैक्ट्स को बांट सकते हो। उस कॉन्टैक्ट्स को बांटने के बाद क्या होगा कि आप उसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो वही बेसिकली कॉन्टैक्ट्स भी वो खुल जाएगा, तो आप उनसे शॉर्ट उसमें बात भी कर सकते हैं, कुछ मैसेज भी भेज सकते हैं। मतलब ये एक अच्छा तरीका है कि इसको क्लासिफाइड करने का। यही कुछ अच्छे फीचर्स थे व्हाट्सएप बिज़नेस के बारे में। इसमें मेरा रिव्यू ये है कि बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है ये, आपको अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए बेस्ट चीज़ है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है, सेम एज इट इज़ व्हाट्सएप। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं व्हाट्सएप नहीं चला रहा हूँ, ऐसा लगेगा मैं व्हाट्सएप का बड़ा भाई चला रहा हूँ। और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, इसको ज़रूर आप एक बार जरूर यूज़ करके देखिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो मेरी तो रिकमेंड यही है कि आप इसको यूज़ करें। और मेरा एक डिफरेंट एंगल ये है कि ये बिज़नेस कई तरह के आपके टाइम बचाता है। मेरा डिफरेंट एंगल, मेरा यही कहना है कि ये बिज़नेस एप्लीकेशन आपके कई सारे चीज़ को एक्सप्लोर कर सकता है, या फिर आपकी कोई चीज़ को आप स्प्रेड करना चाहते हैं, मतलब अच्छा ऑप्शन है। और एक और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप एक ही फ़ोन में दोनों व्हाट्सएप एप्लीकेशन साथ में चला सकते हैं अलग अलग नंबर से, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। थैंक्स गाइज़।